नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 13 फरवरी। उम्मीद आप सब लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब बहुत सारी भर्तियां निकल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट लेवल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। तो इसका सही जवाब है जिला कुल्लू के सोलंग नाला में। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मनाली में प्रसिद्ध स्की ढलान सोलंग नाला में राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट लेवल की स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कल यानी कि 12 फरवरी को हुआ है और जो 14 फरवरी तक जारी रहेगा। इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के 250 से अधिक स्कीयर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में मनाली के विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से 1,00,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो की है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्सनल एंड कमर्शियल व्हीकल स्क्रैप करने पर नए व्हीकल खरीदने में कितने फीसदी टैक्स में छूट मिलेगी। तो इसका सही जवाब है 25% और 15%। दोस्तों हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई स्क्रैप पॉलिसी के तहत निजी वाहन यानी कि प्राइवेट व्हीकल को स्क्रैप करने पर नए वाहन खरीदने के दौरान टोकन टैक्स, रोड टैक्स और स्पेशल टैक्स में 25% की छूट मिलेगी, जबकि व्यावसायिक वाहन यानी कि जो आपके कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनको स्क्रैप करवाने और नए व्हीकल खरीदने के दौरान इन्हीं टैक्स पर आपको 15% की छूट मिलेगी। दोस्तों असल में देखा जाए तो प्रदेश सरकार लोगों को पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए मोटिवेट करना चाहती है, जिसके चलते जय स्कीम लोगों के सामने लाई गई है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए मोटिवेट हो सके, क्योंकि दोस्तों पुराने व्हीकल्स आज के नए व्हीकल्स के मुकाबले काफी ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में आज की डेट में BS6 इंजन वाली गाड़ियां आ रही है, परंतु आज भी BS2, BS3 और BS4 इंजन वाली गाड़ियां रोड पे देखी जा सकती है जो कि काफी ज्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं। इस नई स्क्रैप पॉलिसी का फायदा लेने के लिए आपको अपना व्हीकल रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर पे ही स्क्रैप करवाना होगा। अगर आपको भारत के BS नॉर्म्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में BS नॉर्म्स कहते हैं, अदरवाइज इसका पूरा नाम भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड है। भारत में जय नॉर्म्स सन 2000 में फॉलो किए जाने लगे जो कि यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया कि इंडिया में जय नॉर्म्स सन 2000 में फॉलो किए जाने लगे, तो जो सबसे पहली स्टेज के इंजन्स थे उनको BS1 की बजाय इंडिया 2000 का नाम दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज के इंजन आए उनको BS2, BS3, BS4 और BS6 के नाम दिए गए, और हर स्टेज का इंजन अपनी पुरानी स्टेज के इंजन के मुकाबले कम पोल्यूशन फैलाते हैं। और आज की डेट में भारत में BS6 इंजन वाली गाड़ियां बिक रही है और बहुत जल्द सरकार ने BS7 पे शिफ्ट होने का लक्ष्य भी रखा है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हिमाचल प्रदेश GK का एक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में चंबा की रानी के याद में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है सूही मेला। दोस्तों बताया जाता है कि चंबा नगर की स्थापना के समय जहां पानी की काफी समस्या थी, जिसका समाधान करने के लिए राजा की ओर से बहुत सारे प्रयास किए गए, जहां पर राजा द्वारा सरोथा नाला से नगर तक एक कुहल का निर्माण भी करवाया गया, लेकिन फिर भी जहां पर पानी की समस्या का हल नहीं हुआ। ऐसे में एक रात राजा को सपने में आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें कहा गया कि इस कुहल में तभी पानी आएगा अगर इस कुहल के मूल स्रोत यानी कि जहां से पानी आता है वहां पे रानी
जब उसके एक पुत्र को जीवित जमीन में दफना दिया जाएगा, जिसके बाद राजा काफी परेशान रहने लगे। इसी बीच रानी सुनन्या ने जब राजा से परेशानी की वजह पूछी, तब राजा ने अपनी परेशानी का कारण बताया। लिहाजा रानी सुनन्या ने खुशी से प्रजा की खातर अपना बलिदान देने की बात कह दी। इसके बाद बलोटा गांव से लाई जा रही कुहल पर एक कब्र तैयार करवाई गई, जिसमें रानी साज श्रृंगार के साथ कब्र में प्रवेश कर गई। बताया जाता है कि जैसे जैसे कब्र में मिट्टी भरने लगी, कुहल में भी पानी चढ़ने लग पड़ा। राजा साहिल बर्मन ने रानी की स्मृति में बहती कुहल के किनारे एक समाधि बनाई थी। इस समाधि पर रानी की स्मृति में एक पत्थर की प्रतिमा विराजमान की गई है, जहां पर महिलाओं की ओर से पूजा की जाती है। प्रति वर्ष रानी की याद और बलिदान की स्मृति में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे सूही मेला कहते हैं। इस मेले में महिलाएं रानी की प्रशंसा में लोकगीत गाती हैं और समाधि तथा प्रतिमा पर फूल की वर्षा की जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।